हेलो दोस्तों, अभी हम 10 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका पोर्टफोलियो के साथ आपका जेब भी खाली कर सकता है। इसका मतलब है दोस्तों, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने की ताकत रखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑटो स्टॉक से। ठीक है, ऑटो से तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने ऐसे ऑटो स्टॉक लिए हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि आपने टाटा मोटर या अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक नहीं लिया। देखिए, वो थोड़ा छोटे हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों दिग्गज और ब्लू चिप कंपनियों को यहां पर टारगेट किया है, क्योंकि आप देख रहे हो जब दोस्तों यहां पर देख सकते हो लार्ज कैप के स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों मिड कैप या स्मॉल कैप तो ऑटोमेटिक गिरेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर जो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे स्टॉक को मैंने टारगेट किया कि जब ऐसे स्टॉक गिरेंगे तो तय है कि दोस्तों जो छोटे मोटे स्टॉक है उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, और देखिए मैंने दोस्तों ऑटो सेक्टर पर क्यों फोकस किया, ठीक है, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हो कि दोस्तों जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है इसके वजह से ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी नुकसान होने की चांस है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई दोस्तों शोरूम नहीं जा पाएगा खरीदने के लिए, ना ही शोरूम ओपन है, ठीक है, ये भी क्लोज है। और दोस्तों जो मार्केट है, इसका जो मार्केट है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रहा है। एक दिन के अंदर दोस्तों ऑटो सेक्टर को कम से कम 24 करोड़, ठीक है, 24 करोड़ या 50 करोड़ का क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव प्रॉफिट होता है, नेगेटिव प्रॉफिट होता है। अगर दोस्तों नेगेटिव प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, तो वो सब भरपाई कहां से किया जाएगा, और चाहे उसका नुकसान होगा तो आपको क्या नुकसान होगा, इसके स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज होगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, नहीं दोस्तों, मैंने सुबह में भी वीडियो बनाया था और बताया था कि ऐसे 4 या 5 स्टॉक है जो आपको भारी नुकसान दे सकते हैं। आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो, जस्ट सेकेंड में होगा। और देखिए सारे स्टॉक में मैंने बताया था, यहां देखिए 3%, 6%, 1%, 5%, 3% का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था। तो आपको दोस्तों ऑटो सेक्टर से बहुत दूर रहना है, क्योंकि हमारे ऑटो सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है ये क्या बोलते हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल ला के रखा गया है। और हमारे ऑटो सेक्टर में एक बार जाके गवर्नमेंट को बताया था कि मुझे हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट रिलीफ दे जिससे उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दोस्तों हमारे निर्मला सीतारमन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है हमारे भारत की, दोस्तों उन्होंने बोला कि अपना 10%, ठीक है, ऑटो का जो 10% है वो आप सेल्स में यूज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो दोस्तों। तो अभी कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं है, वो भी इंटरनल मार्केट में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, इंटरनल मार्केट में, और एक्सटर्नल मार्केट का कुछ अता पता भी नहीं है, ठीक है। तो इससे अगर 10% भी अगर इनको रिलीफ मिलता है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको ऑटो सेक्टर से दूर रहना। और एक चीज मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों, मेटल, ठीक है, मेटल स्टॉक पर हम आते हैं दोस्तों, मेटल स्टॉक पर, ठीक है, मेटल स्टॉक पे इसलिए क्योंकि दोस्तों मेटल में बहुत भारी गिरावट हो रही है। आप देख सकते हो दोस्तों, वेदांता है 160 रुपीज़ का हुआ करता था, हिंदुस्तान कॉपर भी यहाँ पर देख सकते हो 40 या 45 रुपीज़ का हुआ करता था, बिल्कुल हाफ हो चुका। तो मेटल सेक्टर में आप देखोगे तो दोस्तों मेटल में गिरावट बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों मेटल में यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 4% का जो है सेल्स में गिरावट हुआ है, 4.7, मतलब कि दोस्तों 5% के आसपास। आप देख रहे हो जब सेल्स में डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का भी प्राइस गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो विथआउट सेल नथिंग इज सर्वाइवल दोस्तों इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, सेल्स के बिना कुछ भी सर्वाइवल नहीं है। और जहाँ पर सेल्स डिक्रीज हो जाता है, इतना याद रखेगा, उस कंपनी में आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे मेटल स्टॉक में या कोई भी मेटल स्टॉक में आपने खरीदारी किया तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं होल्ड करने का भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो मार्केट गिर रहा है काफ़ी ज़्यादा गिर रहा, और अभी कोई भी इसका ऐसा बॉटम नहीं बना है जिससे मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी यहाँ पर जाके शांत होगा कि कहाँ पर जाके शांत होगा, इसलिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट को दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट चलेगा ही नहीं, ठीक है, या कोई भी लॉजिस्टिक का बिजनेस दोस्तों, लॉजिस्टिक उसको भी इंक्लूड कीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ लॉजिस्टिक का बिजनेस, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट देख सकते हो कितना बड़ा गिरावट हुआ, 15% के आसपास दोस्तों गिरावट हुआ। तो इसलिए मैं जिस चीज़ पर आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये सारे स्टॉक में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने ये स्टॉक को यहाँ इंक्लूड किया है, ठीक है,
ये दोस्तों MFSL, ये स्टॉक में प्लेज जो शेयर है दोस्तों वो प्लेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मार्केट गिरता है तो ऑटोमेटिक ऐसे स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर्स के पास अगर कुछ है नहीं तो नुकसान किसको होगा? पब्लिक को। पब्लिक कौन है? आप लोग। नुकसान आप लोगों को होगा, इसलिए ये स्टॉक को नहीं खरीदना। जब प्रमोटर ने ही नहीं खरीदा तो हम क्यों रिस्क लें भाई, सही है ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या दुश्मनी है, ये तो 100 रुपीज़ का स्टॉक था या 110 रुपीज़ का स्टॉक था, अभी 50 रुपीज़ में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा और भी गिर सकता है, क्योंकि आज के डेट में जाके आप देख लो HDFC बैंक कितना परसेंट गिर चुका है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने HDFC बैंक लाया दोस्तों, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक दोस्तों आज के डेट में मुझे लगता है 12% के आसपास गिर चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट स्टेबल हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 831 रुपीज़ में इसका लोएस्ट देख लेते हैं। लोएस्ट अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं दोस्तों 821 रुपीज़ का, ठीक है, सॉरी 28 रुपीज़ का, ठीक है। और मार्केट अभी कितना का है दोस्तों? 831 में। तो मार्केट मुझे लगता है दोस्तों 10% के आसपास गिर चुका था, 10% के आसपास। तो देखिए जब HDFC बैंक नहीं टिक पाएगा दोस्तों तो आपको लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा चलेगा, वो भी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस शीट में वीकनेस है दोस्तों, एसेट क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बालाकृष्णा इंडस्ट्री पर थोड़ा ध्यान रखना है, इससे भी थोड़ा बच के रखना है। और उसके इसको तो चलना नहीं चाहिए था, चलना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोस्तों 1000 रुपीज़ को क्रॉस किया, पता नहीं, ठीक है। तो कोई रीज़न नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे येस बैंक देख लीजिए 5 रुपीज़ पर गया, 5 रुपीज़ से डायरेक्ट 75 रुपीज़ गया और फिर से वापस आ गया दोस्तों 30 रुपीज़ में, अपना रेंज में। तो नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, ऐसे कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए जो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बालाकृष्ण से भी दूर रहना, ठीक है। और सन फार्मा में आप बोलेंगे भाई सन फार्मा में क्या प्रॉब्लम है, अभी तो सन फार्मा जैसे कंपनी को चलना चाहिए, जितना भी मान लीजिए कि मेडिसिन है चाहे जो भी है हेल्प करेगी ऐसी कंपनी, बात सही है। लेकिन दोस्तों सन फार्मा के ऊपर कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम है जिनके वजह से मैंने इनको थोड़ा टारगेट लिया, सन फार्मा थोड़ा बहुत गिर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों मैंने चाहता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि इतना याद रखिएगा पैसा आपका है तो रिस्क आपका होगा, रिवॉर्ड आपका होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और जैसे मैंने बोला दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपको पहले बता दिया जाता है कि कौन से स्टॉक में आपको ख़रीदना है और कौन से स्टॉक में आपको नहीं ख़रीदना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सुबह में भी मैंने वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि दोस्तों सावधान हो जाइए, ठीक है, यही थंबनेल में अभी ही बना रहा हूँ, ठीक है। और बोला था ये 4 शेयर में आपको भारी नुकसान देगा, ठीक है, ये 4 शेयर। और देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर, वीडियो लोड। अगर आपके पास ये चारों में से कोई भी है तो हाईली रिस्क है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हाईली रिस्क है, मतलब कि दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्क है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी स्टॉक में आपने खरीदारी किया है लेके निकल जाओ, चाहे वो बजाज ऑटो जैसे बहुत अच्छे स्टॉक है भाई, बजाज ऑटो कोई खराब नहीं है, लेकिन क्या करें जब समय खराब चलता है, जब टाइम खराब चलता है तो हर एक चीज चेंज हो जाता है, ठीक है। बजाज ऑटो, हीरो मोटर ग्रुप, सन फार्मा, बालाकृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों मैंने सारे कंपनी का नाम लिया, ठीक है, बजाज ऑटो से लेके मैंने दोस्तों हीरो मोटर, सन फार्मा, बालाकृष्णा के बारे में भी बताया। और ये रहा आपके सामने रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो, बजाज ऑटो में गिरावट हुई भाई, थोड़ी बहुत तो गिरावट है, इतना तो बोलेंगे 3% के आसपास गिरावट है। हीरो मोटर क्रॉप में देख लो 6 या 7% की गिरावट है, सन फार्मा में देख लो थोड़ी बहुत गिरावट है, चलो ठीक है मानते हैं थोड़ा बहुत गिरा। लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देख लो बालाकृष्णा में मैंने बोला तो यहाँ पर भी 6% के 5 या 6% के आसपास गिरावट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि देखिए ये मेरा काम था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको बताना, उसी तरह मैं अभी भी इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन से कंपनी से आपको दूर रहना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर इंक्रीज़ कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले एक वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना। और एक बात, अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन पहले पता चले तो आप हमारे यहाँ पेड सर्विसेज ले सकते हो दोस्तों, आप हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर्विस लेने से पहले, ये जो मार्केट गिरा है, ठीक है, ये जो मार्केट गिरा है दोस्तों, यहाँ मान सकते हो कि जितना हम 5 साल में पैसा नहीं कमा सकते थे 5 ईयर में दोस्तों, उतना हम यहाँ 6 मंथ के आसपास में हम कमा सकते हैं। 5 ईयर्स में कितने दिन होते हैं और यहाँ 6 मंथ में कितने दिन होते हैं आप देख सकते हो। 5 साल का पैसा आप 6 महीने में कमा सकते हो,
जब मार्केट बाउंस बैक मारना स्टार्ट करेगा तो हमें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, ऊपर वाला ये जो नंबर है दोस्तों, ठीक है, व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप मिस कॉल मार सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिए। मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आने वाला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।